नमस्कार। बीएड पास उम्मीदवार सीटेट प्राइमरी का दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या केवल जो लेवल 2 है उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है कुछ दिन से, क्योंकि जून में एनसीटीई ने डिक्लेयर कर दिया था कि बीएड पास जो उम्मीदवार हैं वो पीआरटी के लिए, लेवल 1 के लिए, जेबीटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कक्षा 1 से 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट हो या कोई भी टेट हो पूरे देश में, ऐसा एनसीटीई ने नोटिफिकेशन दिया था जून में। तो अब सीटेट ने जब अब फॉर्म अप्लाई शुरू किए हैं, लिंक आया है जब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 1 अगस्त से, उसमें नोटिफिकेशन में जो प्रोस्पेक्टस है उसमें कहीं ये नहीं लिख रखा, कहीं ये मेंशन नहीं कर रखा कि बीएड पास उम्मीदवार भी कक्षा 1 से 5 तक का प्राइमरी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसमें एलिजिबल हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। उसी से रिलेटेड जो बीएड अभ्यर्थी हैं कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट में केस चल रहा है अभी, कोर्ट का जो केस है वो क्लियर नहीं हुआ है। इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर आई है सीबीएसई से, यानी सीबीएसई ही सीटेट को कंडक्ट करती है, और उसी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण खबर आई है कि बीएड पास उम्मीदवार भी प्राइमरी का सीटेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, सीटेट को लेकर चल रही अनिश्चितताओं के बीच सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि बीएड पास उम्मीदवार भी 1 से 5वीं कक्षा के लिए सीटेट अप्लाई कर सकते हैं। मालूम हो 1 अगस्त से जारी सीटेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में प्राइमरी सत्र के सीटेट के लिए ज़रूरी न्यूनतम योग्यता में बीएड पास उम्मीदवारों को जगह नहीं दी गई है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। आइए और आगे पढ़ते हैं। सीबीएसई के एक आला अधिकारी ने हिंदुस्तान अखबार को बताया कि हम मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसमें बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अर्हता देने का एनसीटीई का निर्णय भी शामिल है। अधिकारी ने कहा कि सीटेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के नंबर 7 पैराग्राफ में जो वहाँ नोट दे रखा है 7 नंबर करके, स्पष्ट लिखा गया है कि जो उम्मीदवार 1 से 5वीं और 6 से 8वीं दोनों स्तरों पर पढ़ाना चाहते हैं उसे दोनों पेपर देने होंगे। ऐसे में ये स्पष्ट है कि हम किसी को परीक्षा देने से नहीं रोक रहे हैं। यहाँ सीबीएसई के अधिकारी ने साफ कहा है कि आप अगर बीएड भी हैं तो पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। हालांकि अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई सूचनाएँ स्पष्ट नहीं हैं, इसकी वजह से छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फ्रेंड्स, ये सही है कि सीटेट की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो भी पात्रताएं दी गई हैं लेवल 1 और लेवल 2 में, उन दोनों में साफ साफ कह रखा है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं, और यहाँ सीबीएसई कह रहे हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, हमने रोका नहीं है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ सीबीएसई के अधिकारी ने कहा है, अखबार की खबर है, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। जब तक सीबीएसई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन नहीं निकालता है तब तक ये न माना जाए कि इसमें बीएड वाले एलिजिबल हो गए हैं, लेकिन यहाँ सीबीएसई की ओर से ज़रूर खबर आ गई है। उम्मीद है कि जल्दी ही इस मामले का पटाक्षेप होगा और 27 अगस्त से पहले ही इस मामले में जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो जेबीटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ऐसा नोटिस आ जाएगा। फ्रेंड्स, बीएड सीटेट से संबंधित खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम बीएड उम्मीदवारों के पक्ष में जब भी फैसला आएगा या क्या रहता है कोर्ट का फैसला, नोटिफिकेशन कब आता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, हम आपको पूरी खबर देंगे। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।